नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में शुभारंभ किया गया है। ये पखवाड़ा 1 से 14 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को डायरिया से बचाव के लिए ORS और 10 से पीड़ित बच्चों को जिंक की गोलियां खिलाई जाएंगी। गाँव में आशा के माध्यम से 5 साल तक के सभी बच्चों को ORS के पैकेट बांटे जाएंगे। साथ ही 10 से पीड़ित बच्चों को उच्च चिकित्सा केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ के पास इलाज के लिए भेजा जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त दीपक रावत ने अचानक सचिव जिला विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी नैनीताल और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र नैनीताल शहर के सीमेंट कंपाउंड, पाइंस गार्डन, बिड़ला चुंगी, आयरपाटा क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है। यहाँ बता दें कि इन क्षेत्रों में जमकर निर्माण कार्य अवैध रूप से किए जा रहे थे, पर प्राधिकरण के सचिव को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसकी शहर पर इतने अवैध निर्माण हुए हैं, इस बात की जांच की जा रही है। आयोग के पूछने पर कोई भी जानकारी यहाँ पर प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय नहीं दे पाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह द्वारा पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कोर्ट कचहरी परिसर का निरीक्षण कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह ने चेकिंग अभियान के दौरान कचहरी परिसर में संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की सघन चेकिंग की है। कचहरी परिसर में आवागमन करने वाले व्यक्तियों से आने जाने का कारण पूछताछ तलाशी ली गई है। हवालात में मुलजिमों की चेकिंग तलाशी ली गई। कोर्ट कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस फोर्स और गार्ड को चेक कर ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ संदिग्धों की प्रतिदिन चेकिंग करने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। ये आज पूरे यहाँ के बल के साथ जिला न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ के बार का भी सहयोग लिया गया और यहाँ पे जो विभिन्न कोर्ट्स हैं जिसमें कि पेशी को लोग आए हैं उनकी तलाशी ली गई, जो वाहन यहाँ खड़े हैं उनके बारे में देखा गया और साथ ही साथ जो मुलजिम पेश होने को आए हैं उनको भी हवालात में चेक किया गया है और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें और सुधार लाने के लिए न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे और हर जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है उसकी ढंग से चेकिंग हो। बिजनौर में पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। भाकियू और राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को कलेक्टर जाने से पुलिस ने रोका है। बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। भाकियू और राजनीतिक संगठन कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में था। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नुमाइश चौक का एक पूरा मामला। बुलंदशहर में हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और बता दें कि इसको लेकर लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है और इसको सफल बनाने के लिए IGRS पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। DM चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। DM ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा ऐप के माध्यम से इस योजना की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को प्रेरित कर उनके पास ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि वो ज़रूर प्रतिष्ठानों पर झंडा फहराएं। स्वयंसेवी संस्थाओं NSSNY और NCC नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर के माध्यम से लोगों द्वारा अपने घरों प्रतिष्ठानों पर फहराए गए झंडों की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाने की यहां पर बात रखी गई है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र शिकारपुर में स्थित हैप्पी ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों में आपसी विवाद हो गया। शिक्षा का मंदिर अखाड़ा बन गया है। गुस्साए छात्र ने अपने साथ करीब दर्जन भर बच्चों की टोली लेकर दूसरे छात्र को बुरी तरह से पीट दिया। मौके पर पहुंचे स्कूल के पीटीआई की भी जमकर बच्चों ने पिटाई कर डाली। पीटीआई को मारता देख किसी तरह से वहां पर भागने की कोशिश की गई। वादी बच्चों के हाथ में हथियार भी बताए जा रहे हैं कि बच्चों के हाथ में कुछ हथियार थे जिससे वो मार पिटाई कर रहे थे। बताया भी जा रहा है कि उद्रवी बच्चे अपने साथ तमंचा भी लेकर आए थे। उद्रवी बच्चों के सर पर खून सवार था। फिलहाल ये जांच का विषय है कि उनके पास ये तमाम हथियार कहाँ से आए हैं, क्या स्कूल में पहले भी इस तरह की हरकत वो कर चुके हैं।
बुलंदशहर के थाना क्षेत्र जांगीराबाद में स्थित गांव तोली में मामूली कहासुनी को लेकर आधा दर्जन हमलावरों ने घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी पर ही युवक को गोद दिया गया। मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया है। चिकित्सकों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बुलंदशहर में चोरी की घटना में वांछित चल रहे 20,000 रुपए के हिस्ट्री शीटर अपराधी गौतम सिंह को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में कब्जे से चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध असलाह और बाइक सहित बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गौतम सिंह जो कि ज्ञानलोक कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर का निवासी है, कई दिनों से वांछित चल रहा था। इसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस कर रही थी। श्रावस्ती में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हल्की बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोल कर रख दी है। हल्की बारिश में ही नालियां चौक हो गई हैं। बारिश में सड़कें तालाब बन गई। आवागमन में कई समस्याएं हुई हैं। नगर पंचायत के जो दावे हैं वो हवाई हो गए हैं। कौना नगर पंचायत का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज के सुराग गांव में बदमाशों ने घुसकर घर में सो रहे दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पति की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सुराग के जुड़ापुर निवासी प्रेम प्रकाश मिश्र जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे सोमवार शाम खाना खाकर पत्नी समेत कमरे में जाकर सो गए कि अज्ञात बदमाशों ने छत के रास्ते दाखिल होकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई है। वहीं पति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर क्या कोई ये पुरानी रंजिश है या सिर्फ लूट के इरादे से हत्या की गई। अब खबर चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड की है। यहाँ सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले आदर्श प्राथमिक विद्यालय झिंझौड़ी में कई वर्षों से शिक्षकों का अकाल चल रहा है, जबकि पूरे प्रखंड में इस विद्यालय में सर्वाधिक छात्र संख्या है। पूर्व में इस विद्यालय में 125 से 30 छात्र छात्राओं की संख्या थी, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते विभागों ने अपने ननिहालों को अन्य स्कूलों में भी दाखिला करा दिया है और कुछ नए छात्रों का यहाँ दाखिला नहीं कराया गया। इस तरह से यहाँ के ननिहालों का भविष्य अंधकारमय साबित हो रहा है। सरोवर नवी नैनीताल के आसपास नालों के बंद हो जाने से बारिश का सारा पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है, जिसके कई बार मीडिया में उजागर भी किया गया, जिसके चलते आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने मुख्य अभियंता लोनी नैनीताल और सचिव झील विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। नैनीताल में जल निकासी हेतु कुल 62 नाले बनाए गए हैं जिनसे नैनीताल शहर में पानी की निकासी होती है। संज्ञान में आया है कि उपरोक्त नालों में मलबा भरा है तथा नालों पर अवैध निर्माण भी हुआ है, लेकिन अब इस पर एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। नेपाल में हो रही बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। कुशीनगर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मादेवा गांव में डीएमएसपी पहुंचे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज पर सुबह 8 बजे नदी का जलस्तर 270,400 क्यूसेक होने से बड़ी जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आई। खड्डा विधानसभा के बसंतपुर, मरीच हवा, हरिहरपुर, शिवपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। सड़कें पानी में डूब गई। नदी के किनारे स्थित महादेवा गांव के लोगों को कटान का डर सता रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाली टीम के साथ।